हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिफाई एंडलेस। दिस इज योर होस्ट मिस्टर एक्सप्लोरर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो कभी मेरी प्रॉब्लम थी। मैंने भी बहुत इंसल्ट झेला है फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स सबके सामने। तो क्या आपको भी बुक रीडिंग में दिक्कत होती है? सारे वर्ड और प्रोनाउंसिएशन पता होने के बाद भी जब भी आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप बीच बीच में अटक जाते हैं। आपको भी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। तो इस वीडियो को डीपली समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसके प्रॉब्लम को समझने के बाद आपको लाइफ में कभी रीड करते समय अटकना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो चलिए जानते हैं आखिर में मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम रीड करते करते अटक जाते हैं सारे अल्फाबेट्स पता होने के बाद भी। जैसा कि आपको बता दूं, जब रीडिंग करते हैं तो आपका आईज, दिमाग और बोलना, ये तीनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मतलब कि तीनों का तालमेल बनाना पड़ता है। जितना अच्छा आपका तालमेल होगा उतने अच्छे से आप रीडिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको तो पता होगा, हमारा दिमाग एक बार में कई काम कर सकता है। अब बात आती है बुक रीडिंग की, तो एक्चुअली में रीडिंग में प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि ये पैराग्राफ ले लो, कुछ लोग कैसे रीडिंग करते हैं, जिस वर्ड को देख रहे होते हैं उस वर्ड को दिमाग में जाके बोलने तक वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उसको बोलने के बाद ही वो दूसरे वर्ड पे जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक वर्ड को देखते हैं और दिमाग के समझने के बाद उसे बोलते हैं, और सेम फर्स्ट वर्ड को बोलते समय वो सेकंड वर्ड को देखते हैं। बट जिनको सब पता होने के बाद भी रीडिंग में दिक्कत होती है, उनकी मेनली प्रॉब्लम क्या होती है? आखिर वो रीडिंग कैसे करते हैं? एक्चुअली हम करते ये हैं कि हम देखते तो पहले वर्ड को हैं और दिमाग में समझते हैं, और उस वर्ड को बोलने तक हम अपनी आईज को चौथे पांचवें वर्ड आगे ले जा चुके होते हैं। मतलब कि हम देखते पहले वर्ड को हैं, बोलते पहले वर्ड को हैं, लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ड को देखने की जगह हम देखते पांचवें वर्ड को रहते हैं और बोलते रहते हैं सेकेंड वर्ड को, जिस कारण दिमाग सेकेंड वर्ड को भी वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बट हमारा दिमाग थर्ड वर्ड भूल जाता है। और ये वो जगह है जहाँ हम रीड करते करते अटक जाते हैं। ये होता है आपके आईज, दिमाग और बोलने के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने से। यही सेम वजह से कुछ लोगों की हैंडराइटिंग भी गंदी होती है, जो स्लो में बहुत अच्छा लिखते हैं, बिकॉज तब उनका हाथ और दिमाग आराम से एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करके लिखता है। बट जब बारी आती है फास्ट लिखने की, तो वो जितने देर में पहला वर्ड लिखते हैं उनका दिमाग चौथे पांचवें वर्ड आगे पहुंच जाता है, जिस कारण वो उस वर्ड को लिखने में उतना टाइम नहीं दे पाते। इसलिए पहले वर्ड तो अच्छा होता है बट आगे की पूरी हैंडराइटिंग खराब होती है। ये दोनों प्रॉब्लम मेनली उसके साथ होता है जिनका दिमाग कुछ ज्यादा स्पीड वर्क करता है। वो अपने दिमाग को अपने बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, मतलब कि अपने बॉडी के साथ दिमाग को मिला के नहीं चल पाते। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा, पास्ट जो बीत गया वो कभी दोबारा नहीं आ सकता। प्रेजेंट अगर आप अपने आज को बेहतर बनाते हैं तो फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर आपका बेहतर होगा, लेकिन अगर आप प्रेजेंट ही अच्छा नहीं कर रहे तो फ्यूचर का सोच के क्या कर लोगे? सेम फंडा रीडिंग और राइटिंग में भी आप यूज करते हैं। हमें अच्छे से रीड करने के लिए और अच्छी हैंडराइटिंग के लिए हमें अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। मींस जो वर्ड हम देख रहे या लिख रहे वो कंप्लीट होने तक हमें अपने दिमाग को उसी वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए। उसके बाद ही जब फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हो जाए तब हमें सेकेंड वर्ड पे जाना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे कुछ रीड करना है तो हमें रीड करते समय सिर्फ एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और उसके कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे वर्ड पे ध्यान देना चाहिए। मींस आईज, माइंड और वॉइस का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि एक टाइम पे एक ही वर्ड पे फोकस करे, जब तक वो कंप्लीट ना हो, दूसरे वर्ड पे ना जाए, और उसके कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे वर्ड पे फोकस करे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो, आप स्पीड से रीड ना कर पाए, बट जैसे ही रीडिंग और राइटिंग का ये तरीका आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी रीडिंग और राइटिंग अच्छी और स्पीड दोनों हो जाएगी। वैसे भी प्रैक्टिस कैन मेक एनीथिंग परफेक्ट, पर क्या आपको पता है जब दिमाग
ये सब काम कर रहा होता है उसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या काम करना है या फिर कौन सा काम उस टाइम में ज्यादा जरूरी है। जैसे हम खाना बना रहे हैं और एट अ सेम टाइम वी आर रीडिंग अ बुक, तो हमारा ब्रेन अल्टरनेटिवली काम करता है, मतलब एक टाइम पढ़ाई में ध्यान देता है और एक टाइम में खाना बनाने में। वैसे ही दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो ये सबसे जरूरी है कि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे। और एक मेन फैक्टर होता है मेंटल स्टेट, हम कोई भी काम करते वक्त कैसे माइंड सेट में है। रीडिंग इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। अब इतना वीडियो देख लिया है यार तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं प्लीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ओके बाय।